आपने कभी यह सोचा है कि 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे ऐसा क्या होता है कि नया वर्ष शुरू हो जाता है? यह आज तक किसी ने स्पष्ट होकर नहीं बताया है, परंतु आज हम विस्तृत रूप से इसका रहस्य खोलेंगे और निश्चित ही आप अचंभित हो जाएंगे। 1 जनवरी को नव वर्ष का पहला दिन मनाने के पीछे पाश्चात्य सभ्यता ने अनेक पक्ष रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, उसके ठीक 7 दिन बाद 1 जनवरी को उनका सर्कमसिशन हुआ था, तो इस अवसर को मनाने के लिए 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिवस मनाया जाता है, परंतु इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अगला पक्ष यह है कि जानस, जो एक रोमन देवता है और जो स्वर्ग एवं नर्क के द्वार खोलता है, उसके नाम पर रोमन शासकों ने जनवरी को वर्ष का पहला माह घोषित किया, परंतु इसमें भी 1 जनवरी के विषय में कोई जानकारी नहीं है। किसी भी दिन को वर्ष का पहला दिन घोषित करने हेतु या तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का कोई नया योग हो, या तो उस दिन कोई इतिहास की कोई घटना या दैवीय चमत्कार हुआ हो, या तो उस दिन मौसम में अचानक से कोई परिवर्तन आता हो। आजकल हम जो कैलेंडर प्रयोग में लाते हैं वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है। 1582 से पहले रोमन जूलियन कैलेंडर का प्रचलन था। जूलियन कैलेंडर में तो गणित की दृष्टि से समस्याएं थी ही, परंतु उसके अतिरिक्त पेगन सभ्यता को समाप्त करने के लिए हर कैलेंडर के साथ समय समय पर अत्यधिक परिवर्तन किए गए। परंतु सत्य को छुपाया जा सकता है, समाप्त नहीं। ऐसा ही एक सत्य है, महीनों के नाम। लैटिन गिनती और संस्कृत गिनती को ध्यान से देखें, दोनों एक समान है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर संस्कृत के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम के आधार पर हैं। परंतु जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडरों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वर्ष के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने हैं। अर्थ स्पष्ट है, निश्चित ही यह महीने उस प्राचीन वास्तविक कैलेंडर के रहे होंगे जो जनवरी से नहीं अपितु मार्च में चैत्र नववर्ष से प्रारंभ हुआ होगा। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज हम अचंभित करने वाले रहस्य खोज निकालेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, एक्विनॉक्स 21 मार्च और 22 सितंबर के वह दिन हैं जब दिन और रात की अवधि एक समान हो जाती है, तथा यह स्प्रिंग और ऑटम ऋतु के सूचक है। सभी प्राचीन सभ्यताओं में इक्विनॉक्स के पश्चात के शुक्ल पक्ष की पहली चंद्रमा को नव वर्ष मनाया जाता था, क्योंकि उस दिन वैदिक ऋतु परिवर्तन होता है, शिशिर ऋतु से वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु से शरद ऋतु। भारतवर्ष में 3 प्रकार के नववर्षों की अधिकतर प्रथा रही है। प्रथम नववर्ष चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अर्थात मार्च के इक्विनॉक्स के बाद के शुक्ल पक्ष का पहला दिन, जब वसंत ऋतु में प्रकृति में नवजीवन का संचार हो जाता है। द्वितीय नववर्ष अश्विन माह में अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अर्थात सितंबर के इक्विनॉक्स के बाद के शुक्ल पक्ष का पहला दिन, जब शरद ऋतु में कृषि और उत्सव का प्रारंभ होता है। यह नववर्ष बहुत लोगों को अब याद नहीं होगा, परंतु याद करें, जन्मदिन की बधाई देते समय अथर्ववेद का यह मंत्र बोला जाता है, जीवेत शरदः शतम्, अर्थात आप 100 शरद वर्ष जीवित रहें। अतः प्राचीन समय में शरद ऋतु से भी नया वर्ष आरंभ होता था। तृतीय नववर्ष सूर्य की मेष राशि में प्रस्थान, जब 13-14 अप्रैल को सूर्य पहली राशि मेष में प्रवेश करता है, उस समय सौर वर्ष का प्रारंभ होता है और इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। सौर संप्रदाय के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, और याद करें कि यूरोप के पैगन भी अधिकतर सौर संप्रदाय के थे। Christianity.com स्वयं ही बता रहा है कि वे हिंदुओं की तरह विभिन्न देवी देवताओं, प्रकृति पुरुष में विश्वास करते थे। 1582 तक अधिकतर पैगन लोग शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र नववर्ष और मेष संक्रांति को सौर नववर्ष के रूप में मनाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1582 में जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, अर्थात चैत्र नववर्ष। 1582 में जब पोप ग्रेगोरी ने जूलियन कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर की नींव रखी, तो आज्ञा दी गई कि अब से नया वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाएगा। परंतु चर्च की आज्ञा के विपरीत यूरोप में लोग 18वीं शताब्दी तक भी
25 मार्च को नववर्ष मनाते रहे, जैसा कि हिंदू मनाते हैं। इससे भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर का 13 या 14 अप्रैल वास्तविक में जूलियन कैलेंडर का 1 अप्रैल है। अतः इसीलिए 1 अप्रैल को सौर नव वर्ष मनाने वाले लोगों को रोकने के लिए उन पर विभिन्न अत्याचार तो किए ही गए तथा मानसिक रूप से अपमानित करने के लिए अप्रैल फूल का प्रचलन बढ़ाया गया। व्यंग कसकर यह बताया गया कि वह मूर्ख है जो 1 जनवरी के स्थान पर 1 अप्रैल को सौर नव वर्ष मना रहे हैं, इसलिए अगली बार अप्रैल फूल मनाने से पहले एक बार अवश्य सोचिएगा। अब हम अंतिम गुत्थी सुलझाते हैं कि 1 जनवरी को ही क्यों नववर्ष रखा गया, किसी और तिथि को क्यों नहीं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि 4th शताब्दी में रोमन शासक कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन घोषित किया था। उस समय 25 दिसंबर को मकर संक्रांति थी, जिसे यूरोप में सैटर्नालिया कहा जाता था, तथा सूर्य और शनि उपासना की जाती थी। कॉन्स्टेंटीन के आदेश पर 25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन घोषित किया गया था और उससे 8वें दिन अर्थात 1 जनवरी को बाइबल के आधार पर जीसस के सर्कमसिजन को नव वर्ष के रूप में उत्सव मनाने का आदेश दिया गया। परंतु अधिकतर लोग मार्च और अप्रैल में ही चैत्र नवरात्रि और मेष संक्रांति को नव वर्ष के रूप में मनाते गए। रोमन शासक कॉन्स्टेंटीन के आदेश के पश्चात अब 1564 में फ्रांस के राजा चार्ल्स ने एडिक्ट ऑफ रूसिलॉन से फ्रांस में सब प्रकार के नववर्ष समाप्त करके 1 जनवरी को नववर्ष का 1 दिन घोषित कर दिया, क्योंकि लोग अभी भी पुराने रीतियों से नववर्ष मना रहे थे। इस आदेश से उत्साहित होकर तथा अप्रैल माह के सौर नववर्ष और 25 मार्च के चैत्र नववर्ष को समाप्त करने के लिए पोप ग्रेगोरी ने जानुस माह के 1 दिन अर्थात 1 जनवरी को रोमन साम्राज्यों में नववर्ष घोषित कर दिया। परंतु पोप और शासकों की अवहेलना में 18वीं शताब्दी तक यूरोप के अधिकतम देश 25 मार्च को ही नववर्ष मनाते रहे। इससे निपटने के लिए 1750 में इंग्लैंड के संसद में अधिनियम लाया गया, जिससे इंग्लैंड और उसके अधीन देशों में नववर्ष 25 मार्च से बदलकर 1 जनवरी को मनाने का आदेश पारित हुआ। अर्थात 1582 में जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर से बदलने से और 1 जनवरी को नववर्ष का 1 दिन बनाने की घोषणा से यूरोप की प्राचीन पेगन अथवा हिंदू सभ्यता के चैत्र नववर्ष, सौर नववर्ष और मकर संक्रांति तीनों का दमन करने का प्रयोजन था। आज के समय 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि निशाचर की तरह रात्रि को जागकर आप 1 जनवरी को नव वर्ष का आगमन मनाएं। हिंदू नव वर्ष प्रामाणिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अब निर्णय आपका है।